अम्मी। पुरानी यादें और छोड़ने की भी यादें मुझड़ वाली उस सब सफर ने यहां पर कैद करके रखी। सफर ने इन सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वाकई शैतान है सफर, शैतान है। लेकिन अगर वो शैतान है तो हम भी इंसान हैं। शैतान जुल्म करता है और इंसान बगावत। अपना काम पूरा कर दिया, अब हमारी बारी। हम अम्मी से शुरू करेंगे और धीरे धीरे एक एक करके सबकी याददाश्त हम सबको लौटा देंगे। फिर इस जुल्म की हुकूमत खत्म होने वाली है जफर, खत्म होने वाली है। हमें कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? सब काला क्यों दिख रहा है हमें? अल्लाह, हमारे हमारी आंखों की रोशनी चली गई। रातों की बारात तक कोई पहुंचने की कोशिश कर रहा है। सही किसकी शामत आई है। तू इस तरह बीच छोड़ के नहीं जा सकता जफर। हम अपने ही नहीं बल्कि सबकी मर्जी के मालिक हैं। मालिक को हुक्म नहीं दिया जाता। आज तक तूने मेरी ताकतों का गलत इस्तेमाल किया और आज इस बात की तौहीन। इसकी कीमत तो तू चुकाएगा जफर, जफर! ये हम कहाँ गए? यहाँ पर तो बर्फ भी नहीं है। बड़ी मारे के पर्दे, यानी हम वापस लौट आए। हमें तो लगा था कि हम अपनी जिंदगी की रोशनी अपनी अम्मी को लेकर आएंगे, लेकिन यहां तुम अपनी आंखों की रोशनी गवा बैठे। बस छूने भर की दे दी उसको, बस छूने भर की।
सफर ने सच कहा था, ना दिखता है ना मिलता है। ये जाम सा कुमार है, इसे ढूंढना बेकार है। जहर, तुमने हम पर जासूसी करने की बहुत बड़ी गलती कर दी। यादों की बारात तक पहुंचने की गलती की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, वो भी भाई के नहीं अय्यार के अंदाज में। सुल्तान का कमरा उस जीनू के भेजे के मापे खाली लग रहे लाए बीड़ू, बोले तो इधर कुछ नहीं मिलेगा। सुल्तान आ गया ना तो? अभी तक तो आए नहीं है, अब क्या आएंगे? चुपचाप बैठी रहे, सुकून सुकून तो तुम भूल जाओ लड़की। मुझे एक बार यहाँ से बाहर निकल ले दो, तुम्हारी तो खैर नहीं है। पर एक बार भाईजान यहाँ आ गए ना और तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे ना, और मजा आएगा। बिल्कुल सही निकली चटर पटर, यहाँ कुछ नहीं। चलो चलते हैं। मेरा बच्चा है तू। चोर को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ना, उसका मजा ही कुछ और है। कुछ देर में सुबह होने वाली है और हमें कुछ देर के लिए हमारी खुफिया अलमारी नजर आएगी। शहर भी वहां होगी। सुनो, सुबह होने वाली है, अलमारी आ तो जाएगी ना, मतलब आका आ तो जाएंगे ना? तुम्हारे आका आ जाएंगे। जब आप ढूंढने निकले थे, सवाल लेकर लौटे, हमारी आंखों की रोशनी अचानक से कैसे जा सकती? अपनी आखिरी सांसें लेने लगातार एक मर्तबा हमें हमारा खुफिया दरवाजा नजर आ गया, उसके बाद तुझे तो इतना दूर भेजेंगे कि तू किसी को नजर नहीं आएगा। जल्दी नजर आ जाओ खुफिया दरवाजे, और सब्र नहीं हो रहा हमसे।
ये तो बड़े गुस्से में लग रहा है लोटी, अलमारी की नजर आते ही इसे आकर नजर आकर तो क्या होगा? घबराहट से तुम्हारा रंग बदल रहा है छोटे, अलमारी भी किसी भी वक्त दिखाई दे सकती है, तुम्हारी और शहजादे की जान खतरे में है। तुम मुहत्तार हो। मैंने जो किया अपने आका के लिए किया। मेरा मतलब है जहर आपा के लिए किया और उनके कहने पे किया, वरना मैं आपके खिलाफ जाऊं मेरी इतनी मजाल ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा शक सही निकला, आखिर सहरी गद्दार निकली। जी मैं तो अंधा सा मुलाजिम हूँ, ये सारा खेल जहर आपा ने ही खेला है, तो मैं चलता हूँ। आधा अब तक अपनी जहर आपा के साथ चल रहे थे, अब जरा हमारे साथ चल लो गद्दारी की तरफ। सहराबा को तो हम पापा बनाएंगे। कोटी के जिन, ये तुमने क्या किया? मैं हमेशा आका के लिए तुमसे लड़ता रहता था और आज तुमने हमें बचाने के लिए खुद को सुल्तान जफर के हवाले कर दिया। आखिर आका के काम सिर्फ तुम ही आए। चलिए तुम जिनो। हाँ सब मैं ही तो हूँ, देखिए ना। आका की आंखें जिनो। भाईजान ये सब क्या है? आपने अंगूठी साहब को बांध क्यों रखा है? तुमने तुम्हारे इस प्यादे को रंगे हाथ पकड़ लिया ताकि तुम अपनी वो बाहियात हरकतें ना कर पाओ। क्या अंगूठी साहब तुमने भाईजान? जो कहा वो कहना पड़ा जहरा पा, है ना? आखिर कब तक हम सच को छुपाते रहेंगे? एक ना एक दिन तो साबित करना ही पड़ेगा ना, है ना? है ना? आप समझ गई ना? शायद अंगूठी छाप अलादीन की सच की बात कर रहा है। वो कौड़ी के जिन, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारी इजाजत के बगैर तुम खुफिया इलाके में चले गए। मैं तो इसकी सजा मिलेगी। अलादीन को फंसाने और मुझे बचाने के लिए अंगूठी छाप ने इतना बड़ा खतरा उठाया, अब इसे बचाने की बारी मेरी है। कहते हैं कि अगर कोई बड़ा अच्छा काम करने से पहले कुर्बानी दो तो वो काम जरूर मुकम्मल होता है, इसलिए काले चिराग की मुहिम पे जाने से पहले हम हमारी कुर्बानी देंगे। क्या? आज रात ही तुम्हारी कुर्बानी देंगे। आज रात तू होगा कुर्बान।
जिनू पता नहीं ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या हुआ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिनू हम मम्मी और उनकी यादों के बहुत करीब थे, बहुत करीब, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, हमारी आंखों की रोशनी चली गई और हम वहां से गायब हो गए। जिनू हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अम्मी और बगदाद के सभी लोगों की यादें जफर ने वहीं पर कैद करके रखी हुई है। जिनू हम मंजिल के बहुत करीब थे, जिनू बहुत करीब, से पहले कि हम यादों की चमक को छू पाते हमारी जिंदगी में अंधेरा हो गया। जिनू हमारी जिंदगी में अंधेरा हो गया। कोई बात नहीं आका, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जिनू अब सब कुछ ठीक कर पाना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। जिनू हम हार नहीं मानेंगे, हमें सफर के इस काले जादू का तोड़ तलाशना होगा, कैसे भी करके, लेकिन इस काले जादू का तोड़ तलाशना होगा। जिनू लेकिन उससे पहले हमें आज रात से पहले अपनी हालत ठीक करनी होगी जिनू, क्योंकि आज रात को हमें काले चिरा की मुहिम पर भी जाना है। लेकिन आका आप जानते हैं तैयार के सामने मेरा जादू काम नहीं करेगा, अगर काम करता तो मैं चुटकियों में आप जान कर देता। आका कोई बात नहीं जिनू, कोई बात नहीं, हम कोई और तरीका ढूंढने की। अंगूठी के जिन, अंगूठी के जिन तुम क्यों चुप खड़े, तुम भी तो कुछ बोलो। हम तुम्हें कभी जीतने नहीं देंगे जहर, चाहे तुम हमारे पीछे अपने जासूस की न लगा दो। मेरे जासूस? कौन से जासूस भाईजान? पर हाँ, यहाँ एक जासूस जरूर आया था, बल्कि आई थी। कौन? कौन आई थी? जरूर बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, पर पहले आप मुझे इस तस्वीर से बाहर निकालिए। अंगूठी का जिन, जिनू अंगूठी का जिन कहाँ है? आपको दर्शन पे और इस तरह वो यार जफर गुस्से में अंगूठी के जिन को अपने साथ लेके चला गया। पहले उसने हमारी अम्मी की यादें छीनी, उसके बाद हमारी आंखों की रोशनी छीनी, और अब हमारा साथी जफर के छीना छपटी के शौक पर लगाम लगानी पड़ेगी। जिनू हम अंगूठी के जिन को कुछ नहीं होने देंगे, हमें जफर के पास ले चलो। लेकिन आका ऐसी हालत में ले चलो जिनू। जो हो मेरी आका, आका सुनो। क्या सुनती सुल्ताना, मतलब वो लड़की? जी मुझे पता चल गया है कि आप पहले वजीर थे। और वो सच जानने के लिए अपने उस बोलते हुए तोते के साथ यहाँ आई है। जिनू इस मुल्क में बातूनी तोती लेके एक ही घूमती है। चूरनी? हाँ चूरनी। थोड़ी देर के लिए हमने उसे नजर के हटाई, उसने और एक नया तमाशा खड़ा कर दिया। सफर उसे अब छोड़ने वाला नहीं है। अरे लेकिन आका आप ये सब छोड़िए, अभी आपके सामने ना जाने और कितनी परेशानियां हैं। अरे जिनू वो तो बिना देखे भी हम देख पा रहे हैं, सही खेल गए। ना मुमकिन। हम जो काम करते हैं मुकम्मल करते हैं। अरे 18 साल पहले हमने याददाश्त मिटाई थी, पूरे बगदाद की याददाश्त। सुनो ये अनाप शनाप बातें हमसे करके है ना, हमें वरगलाने की कोशिश मत करो तुम। शुक्र है कम से कम अभी सफर के गुस्से की आंधी ये शहर चलेगी, चोरनी महफूज है। और हम सब जानते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम जानती हो कि आज रात में हम काले चिराग के मुहिम पर जाने वाले हैं। बस हमें वरगला के झूठी सच्ची बातें बता के हमें हटाना चाहती हो रास्ते से। एक अच्छे भाईजान तो अब बन नहीं पा रहे, काले चिराग के आका क्या खाक बनेंगे आप? काला चिराग हमारा है और हम ही उसे हासिल करेंगे, समझ में आ गया तुम्हें? जिनू हमें लगता है कि अंगूठी का जिन अंदर नहीं है, अगर होता तब तक हमें उसकी आवाज आ जाती। हमें पता लगाना होगा कि वो कहाँ है,
और इस मुहिम को भी डालना है और अपनी आंखों की रोशनी भी मिलानी है। अरे लेकिन ये सब कैसे होगा आका, अभी तो आप देख भी नहीं सकते। और सुन तो सकते हैं ना जीनू। मतलब भाईजान, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो आप अपने ही खेल में बुरी तरह हारेंगे। कोई मसला नहीं, कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है सुल्तान, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बेहतरीन, ये किसने कहा है? कहा तो नहीं, पर एक दिन कहेगा जरूर। ऐसे अचानक चले आने के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं सुल्तान। कुछ नजर नहीं आ रहा ना? आंखों के साथ साथ किस्मत ने भी धोखा दे दिया, हम तो चंद लम्हों में ही पकड़े गए, अब क्या होगा? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।